को सेवा से हटाकर नीलामी के लिए रखा था, लेकिन इसे यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल था। हमें विमान को यहाँ तक लाने के लिए उसके पंखों को अलग करना पड़ा। सुबह 7 बजे के करीब हम हवाई अड्डे से निकले और यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर के 2 बज गए। लोग पूछते हैं कि क्या इसमें इंजन लगा हुआ है, ऐसे और भी कई सवाल उनके मन में होते हैं। बहुत से ग्राहक यहाँ मिलने वाले पारंपरिक ड्रिंक के लिए आते हैं। ये कैफे अपनी पारंपरिक हनी वाइन के लिए जाना जाता है, लोग इसे खूब पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक है, ये लोग इसमें शहद के सिवाय कुछ नहीं मिलाते। दूसरी जगहों पर इसमें चीनी मिला दी जाती है, उसे पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। विमान के पीछे वाली जगह पर आपको जंगली मधुमक्खियों का छत्ता भी मिल जाएगा। हम इन्हें यहाँ नहीं लाए हैं, हाँ लेकिन हमें इन मधुमक्खियों की जरूरत है। इनके शहद का हम इस्तेमाल करते हैं। हनी वाइन बनाने में 1 महीने का समय लगता है। हनी वाइन की सुगंध बढ़ाने के लिए बैरल को ठीक से साफ करने के लिए फिर से धुआं देना पड़ता है। ये कैफे इथोपिया के ओरोमिया क्षेत्र के बुराया में है। वहाँ ये काफी लोकप्रिय है और अब तो लोग यहाँ शादियों और जन्मदिन की पार्टियां भी मनाने लगे हैं।